अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकती हैं। ये बहुत मज़े की बनती है। ये मैंने भिंडी लिया आधा किलो, इसे धो के खुश करके अब इसकी कटिंग करनी है। ये भिंडी जब भी आप बनाएं इसे पहले धो के खुश कर लें, या तो किसी छन्नी में डाल के रख दें, या फिर अगर आपने उसी वक्त बनानी है तो आप किचन टावल से इसे खुश करके तो आप कटिंग कर लें। ये दोनों साइडों से उतार के आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पीस हों और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। अब इसमें 4 मीडियम प्याज जाएंगे, 2 मीडियम टमाटर, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं। अब कुकिंग ऑयल आधा कप कढ़ाई के अंदर डाला है और इसके अंदर भिंडी डाल दी है। अब पहले इसे फ्राई करके निकाल लेना है। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये आसानी से आप बना सकती हैं और मज़े की भी बनती है। वो जितने ऑयल में बनाना है उसी में आप भिंडी को पहले फ्राई करें। अगर आपके पास भिंडी ज़्यादा है तो आप 2 दफ़ा करके इस तरह डाल के तो वो फ्राई करके निकाल लें। पहले इसे कलर इसका चेंज नहीं होने देना, ज़्यादा हल्का सा चेंज हो, वो जैसे वो ग्रीन ग्रीन है, थोड़ा सा इस तरह करके तो आपने निकाल लेनी है। ज़्यादा इसका कलर वो चेंज नहीं करना। अब मैं निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं इतना कलर करके निकाल लेना। और इसी के अंदर वो प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया, वो डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। भिंडी में प्याज ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, भिंडी या करेले हूँ इनमें प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इन्हें फ्राई करना है, ट्रांसपेरेंट से कलर करना है, इनका कलर ब्राउन नहीं करना, हिलाते हुए इस तरह करना है। ये खड़े खड़े से प्याज और टमाटर इसके अंदर भिंडी के अंदर अच्छे लगते हैं। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भर के मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप ये डालेंगे तो मज़े का फ्लेवर आएगा, अगर आपने नहीं डालना तो स्किप कर सकते हैं। मैं इसके अंदर डालती हूँ। अगर आपके पास अदरक नहीं है, हाली लहसुन का डाल लें। अब थोड़ी देर इसे साथ ही फ्राई करना है। और टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी मैंने काट ली है, वो मेरे पास ये लंबी वाली मिर्च थी मैंने काट लिया। अगर आपके पास वो दूसरी छोटी है तो आप वो सेंटर से काट लगा के वो साबुत मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब प्याज और टमाटर साथ ही इस तरह थोड़ी देर फ्राई करके इसके अंदर नमक मिर्च अब डाल रही हूँ। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और आधी टीस्पून हल्दी मैंने डाली है। ये नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप डालना चाहते हैं। आप इसे मिक्स करके, पानी इसके अंदर डालने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसे थोड़ी देर इस तरह मिक्स करके कवर कर दूंगी ताकि वो अच्छा सा वो टमाटर खड़े ही रहेंगे, इनका वो बहुत ज़्यादा इस तरह वो मैश नहीं करना। थोड़ी देर इसे कवर करूंगी, 2 से 3 मिनट। आप इसे मिक्स करके इस तरह, ये भिंडी के अंदर अगर आप वैसे बनाएं तो नमक भी साथ डाल दें तो उस तरह भी वो भिंडी लेस छोड़ देती है। और ये आसान तरीका, आप उसी ऑयल में फ्राई करके पहले निकाल लें तो फिर आप इस तरह बनाएं, ये मज़े की भी बनती है और खिली खिली सी देखने में भी अच्छा लगता है कलर, और मज़े की भी बनती है। अब ये भिंडी फ्राई हुई हुई है, आप इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, आप इसे मिक्स करना है प्याज टमाटर के साथ इस तरह मिक्स करके। अब इसके अंदर मेथी, हाथ से वो मसल के मेथी डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और साथ ही ज़ीरा 1 टीस्पून, ये पिसा ज़ीरा डाल दिया। और इसे मिक्स करके चूल्हा बंद करके इसे कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट। अब इस डाल के इसको बहुत ज़्यादा वो ना ही तो भूनने की ज़रूरत है और ना ही इसके अंदर वो पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाता। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ और चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये अपने ही दाम में वो बहुत मज़े का इसका वो फ्लेवर आएगा। अब ये मैं निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं इसका कलर भी वो खिला खिला सा। ये बिगिनर्स इसे इसी तरीके से बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।